नमस्कार, मैं सूर्यकांत तिवारी एक व्यवसायी हूं तथा पिछले 20 वर्षों से कोल के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करता आ रहा हूं। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए व्यवसाय करता आ रहा हूं। मैं व्यवसायिक जगत के अलावा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, मेरे संबंध सभी से अच्छे रहे हैं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जनों और भाजपा पदाधिकारियों से मेरे बहुत मधुर संबंध थे। भाजपा के शासन के 15 वर्षों में भी मैं एक कारोबारी था और आज भी हूं। हाल ही में 30 जून 2022 को हमारे यहां आयकर विभाग द्वारा सर्च और सर्वे ऑपरेशन किया गया, जिसे आमतौर पर मीडिया में आईटी रेड के नाम से पुकारा जाता है। आयकर विभाग की टीम हमारे यहां से अपना सर्च एवं सर्वे ऑपरेशन करके संपन्न करके चली गई। मुझे यह मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने मेरे घर हुए आयकर रेट के आधार पर मुझे गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा मुझे अपराधी घोषित किए जाने से पहले ही डॉक्टर रमन सिंह ने स्वयं जज बनकर बिना किसी सुनवाई के अपना फैसला सुना दिया और मुझे गिरफ्तार किए जाने की मांग कर दी। डॉक्टर रमन सिंह एक वरिष्ठ राजनेता है, 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उससे पूर्व 2 साल तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि आयकर की कार्रवाई होने मात्र से व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। आज मेरे जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं और वे कोई आज से नहीं चल रहे हैं, मैं 2002 से कोल व्यवसाय में काम कर रहा हूं और ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी एवं सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मेरे घर पर आयकर द्वारा जो सर्च एवं सर्वे किया गया उसमें अगर कोई भी संपत्ति प्रश्नाधीन होती है या कहीं टैक्स संबंधी कोई बात आती है तो उसे निराकरण की एक निर्धारित व्यवस्था है। यदि हमारे प्रतिष्ठानों पर कोई टैक्स दायित्व निकलेगा तो उसे हम चुका देंगे। हम व्यापारी हैं, कोई अपराधी नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी, फिर भी यदि आप मुझे अपराधी घोषित करके जेल में डलवाना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जेल के जिस सेल में मैं रहूंगा उसके ठीक बाजू वाले सेल में आपको भी रहना होगा, क्योंकि आपका कार्यकाल भी कोई बेदाग नहीं रहा है। आपके कार्यकाल में आपके मंत्रियों पर जमीन की भारी मात्रा में अफरा तफरी के आरोप लगे थे, उसके लिए आपको भी जेल जाना चाहिए। आपके पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ अभिषाक सिंह के नाम से पनामा पेपर्स रंगे हुए थे। टैक्स हेवन देशों में बैंक खाते खोलकर अपनी काली कमाई छिपाने के आरोप लगे थे। आपकी जिम्मेदारी भी आपको स्वीकार करके जेल जाना चाहिए। आपके कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपए का नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला हुआ था। आपकी ही जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने जो डायरी जब्त की थी उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि किसी भी सीएम मैडम सीएम को पैसे दिए जाते थे, उसके लिए आपको नैतिकता के आधार पर जेल चले जाना चाहिए। प्रदेश के बच्चे में चर्चा थी कि सीएम हाउस में बैठे आपके कुछ स्वजन प्रदेश में तबादला उद्योग चला रहे हैं और इतनी कमाई कर रहे थे कि घर पर आपको नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी थी। आपने अपने दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को दहेज में डीके हॉस्पिटल दिया था, जिसने वहां मनमानी की, भारी भ्रष्टाचार के आरोप पर घिर गए थे। आपके विभागीय मंत्री भी जिसके सामने नहीं चलती थी, ऐसे दामाद को फ्री हैंड देकर जनता के पैसों की लूट का अवसर आपने उसे दिया, उसके लिए आपको जेल जाना चाहिए। आपके बेटे, आपकी धर्मपत्नी, आपके कुनबे के लोग, आपके मंत्रिमंडल के लोग, पार्टी के पदाधिकारी चिट फंड कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, उनके कार्यक्रम में जाते थे। आपकी सह पर चिट फंड कंपनियां प्रदेश के भोले भाले लोगों को हजारों करोड़ रुपए लूट कर भाग गई और बेचारे एजेंटों को आपने अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, इसके लिए भी आपको जेल जाना चाहिए। आपकी सरकार की घनघोर लापरवाही, अव्यवस्था और कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष्य के चलते 2013 में जीरम घाटी कांड में हमारे नेता, सुरक्षा बलों के जवान मारे गए, उसके खून का दाग आपके दामन पर है। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपको उसके लिए भी जेल जाना चाहिए। आपके शासनकाल में आपकी सरकारी मशीनरी ने कई माओं के गर्भाशय निकाले, मोतियाबंद के ऑपरेशन के नाम पर कई लोगों को अंधा बना दिया गया, झलियामारी जैसे कांडों में बच्चियों का यौन शोषण किया गया, उसके लिए भी आपको जेल जाना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उनके शासन काल में उनके करीबी व्यवसायियों पर भी आयकर के छापे की कार्रवाई हुई थी। उस हिसाब से उनके शासन काल में जितने भी आयकर छापे छत्तीसगढ़ में पड़े उन सभी को जेल भेजा जाना चाहिए था। मैं मीडिया के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप प्रदेश से 15 साल तक सत्ता में थे, मैं उस समय भी व्यवसाय कर रहा था, आपसे, आपके मंत्रिमंडल के लोगों से, पार्टी के नेताओं से
मेरे उस समय भी संबंध मधुर थे। क्या आपने या आपके किसी मंत्री ने मेरी उस समय कोई भी अनुचित मदद की थी? मेरे सभी से मधुर संबंध रहे हैं। न तो मैंने कभी उस समय किसी की सहायता ली और न आज किसी की सहायता ले रहा हूँ। मैं एक स्वाभिमानी छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में मैंने जन्म लिया, मेहनत की रोटी कमाता हूँ और सभी को अपना समझता हूँ। मुझे अब बात समझ नहीं आ रही है, डॉक्टर रमन सिंह आयकर विभाग के इस कार्यवाही को क्यों राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर रमन सिंह जी क्यों इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। 30 जून को आयकर विभाग ने हमारे यहाँ छापा मारा। आयकर की छापामार टीम ने हमारे यहाँ घर पर छापा बोला, हमारे घर के लोगों को भयभीत किया। आयकर की टीम को अधिकार नहीं होता कि वो सर्च एवं सर्वे की कार्रवाई के दौरान किसी से मारपीट करे, लेकिन मुझे आयकर टीम द्वारा मारपीट की गई। 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया गया, मुझे बहुत प्रकार से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। आयकर टीम के अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं, बयान दे दूं उनके खिलाफ। परंतु जब मेरे किसी भी व्यवसाय से उप सचिव सौम्या चौरसिया जी का कोई संबंध ही नहीं, तो मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। श्रीमती सौम्या चौरसिया से मेरे पारिवारिक संबंध है, उनके घर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं, उनसे मेरी बीच बीच में टेलीफोनिक बात भी होती है। मैं जब कभी जनता के काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाता हूं, तो कई बार मेरी उनसे भेंट और मुलाकात होती है। श्रीमती सौम्या चौरसिया अकेली अधिकारी नहीं है जिनसे मेरे अच्छे संबंध है, प्रदेश के भाजपा शासन के और वर्तमान शासन के अन्य अधिकारियों से भी मेरे संबंध है। श्रीमती सौम्या चौरसिया मेरे घरेलू संबंध सामाजिक संपर्क है, मेरे व्यवसाय से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायक के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मतलब मुझे छत्तीसगढ़ का एक नाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिसे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। मैं एक व्यवसायी हूँ, लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में मेरा पूरा विश्वास है। मेरे साथ आयकर विभाग के लोगों ने जो भी किया है, जितना भी मुझे टॉर्चर किया, मुझ पर अमानवीय दबाव डालकर जो भी झूठे बयान दिलवाने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध मैं न्यायालय की शरण में जाने वाला हूँ। कितने दुख की बात है कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में विपक्ष शासित राज्यों में तख्ता पलट करने के लिए इस हद तक गिर गई है। इसीलिए आज देश में धारणा बन गई है कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष का दमन करने का हथियार बन गई है। केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है, डॉक्टर रमन सिंह या धर्म कौशिक जैसे बड़े लोग उसे राजनीतिक रंग देकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। यदि किसी प्रकार के नियम कायदों को लेकर कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए एक राजनीतिक तमाशा खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यापारी होना, कारोबार करना गुनाह है, यदि जीवन में उन्नति करना अपराध है, यदि नियम कायदों की चूक हो जाना अपराध है, तो मैं बेशक अपराधी हूँ और मुझसे वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे एक अपराधी से किया जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी कानूनी व्यवस्थाएं होंगी मैं उसको पूरा करूंगा, पूरा करता आया हूं, लेकिन कृपा करके मेरे घर पर पड़े आयकर छापों को राजनीतिक खेल मत बनाइए, उसे सियासी रंग मत दीजिए मुझ पर या उपकार कीजिए। मेरे घर पर पड़े छापों, इन छापों को बढ़ा चढ़ाकर ना देखा जाए, इसे आयकर विभाग की कार्रवाई रहने दिया जाए। इसकी मनचाही व्याख्या मत कीजिए, मनचाहे अर्थ मत निकालिए। और मैं आज आप सभी के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि यदि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई अपघात होता है, किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना होता है, तो उसके लिए केंद्रीय आयकर विभाग तथा प्रदेश भाजपा के वे नेता जिम्मेदार होंगे जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं झूठ के खिलाफ अपने आखिरी दम तक संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।